नमस्कार, आज हमारी उपस्थिति है राजस्थान के सबसे बड़ी नंदीशाला कबीर नंदीशाला में, जहां आज तकरीबन 400 के करीब नंदी जो है वो संरक्षण में है, उनकी देखरेख की जा रही है और इस कड़ाके की ठंड में वहां पर रखरखाव को लेकर भी कई तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ लोग अपने आप को हीरो बनाने के लेकर यहाँ पर तरह तरह की जो है वो पोस्ट डाल रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो नंदीशाला है इसमें कार्मिक जो काम करते हैं उन्हें 900 रुपये प्रतिदिन मानदेय दिया जाता है। इस बात को निराधार भी साबित किया गया। हम जब मौके पे आए तो पता चला कि यहाँ पर तो सेंटर के लोग काम कर रहे हैं और यहाँ पर जो निस्वार्थ भावना के जो यहाँ के युवा है वो काम करते हैं। हाँ, नगर परिषद के कुछ कर्मचारी आते हैं लेकिन वो भी नगर परिषद के लोग होते हैं, उन्हें किसी तरह का मानदेय यहाँ नहीं दिया जाता है। हम बात करेंगे यहाँ के कुछ लोगों से जिन्होंने आज कड़ाके की ठंड में, हालांकि संक्रांति का अवसर आ रहा है उसको लेकर कड़ाके की ठंड में नंदियों को, जहां एक और इंसानों को मानवीय दृष्टिकोण के चलते मेथी दी जाती है जो दवा का रूप काम करती है, ऐसे ही नंदियों को भी मेथी के रूप में मेथी के लड्डू यहां बनाए जा रहे हैं। मैं दिखाऊंगा, कैमरा पर्सन जितेंद्र से कहूंगा कि वो बताए कि यहां पर जो है वो देखिए ये लाडू बन रहे हैं। ये लाडू जो है हम बुजुर्गों को, हम बीमारों को और हमारे जो जो यहां पर घर में रिवाज करने वाले जो बड़े होते हैं उनको देते हैं ये मेथी सर्दी के दिनों में, जिसे राजस्थानी भाषा में संजाना भी कहते हैं। हम बात करेंगे हरी से, वो बताएगा कि यहां पर जो है वो किस तरह से नंदियों को रखा जाता है और यहाँ पर जो टीन शेड का कार्य है वो भी पूरा हो चुका है। यहाँ कितने नंदी हैं? यहाँ पर करीबन 300 से ऊपर है नंदी आज की तारीख में, 300 से पार है, मतलब 400 और 300 के बीच में है। और आज के दिन ये लाइटें भी लग रही है, बड़ी बड़ी मास्क लाइटें, और नंदियों का जो कार्य है वो बहुत ही शानदार तरह से चल रहा है। यहाँ पे एमजी गुच्चिया की तरफ से एक बड़ा भी बना है जो इनका उद्घाटन होगा कल परसों होगा 15 तारीख को। और नंदी और जो है ये सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है कि आपको यहाँ पे मानदेय मिलता है 900 रुपये? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे संस्थान से टीम रक्षक से हम काफ़ी लोग आते हैं, 10-10 की टीम से, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात को, तो हर समय हम तत्पर है, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। पहले यहाँ पे इस मैदान में ये मीसा आवारा पशु ये जो घूम रहे थे तो तब ये बाड़ों के अंदर तारबंदी नहीं थी, तो हम रात को 2 बजे भी आके कभी तारबंदी को, कभी पोल को उठाना, हर समय 24 घंटे तत्पर रहते थे। हम सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से सेवा का कार्य कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। नगर परिषद के लोग भी आते हैं? नगर परिषद के भी लोग आते हैं, उनकी 3 टाइम ड्यूटी है, वो चारा डालते हैं, गोबर उठाते हैं, वो भी टाइम पर। उनको जो नगर पालिका की जो सैलरी है, जो कर्मचारियों की सैलरी थी, सिर्फ वो मिलती है और कुछ नहीं मिलता उनको भी। खास कर से कुछ खास विशेषता हो रही है, लाइटें लग रही है? हाँ, ये अभी लाइटें आज लग रही है, मतलब पर डे कुछ ना कुछ यहाँ पे काम होता ही रहता है। कभी टीन सेट का काम होता है, कभी बाड़े गिरते हैं। अभी वो वाटर बॉक्स वाले भी आए थे, उन्होंने भी बोला है कि 20x100 का एक बड़ा बनाएंगे, तो नगर पालिका का स्टाफ आई है, वाटर बॉक्स स्टाफ आया था आज। गौ भक्तों को कोई संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहूँगा, अगर पूरी फलौदी वासी में जितने भी अपने लोग हैं वो निस्वार्थ भाव से यहाँ आएँ और खुद कार्य करें अपने हाथों से, ताकि फलौदी में एक अच्छा संदेश जाए और गौ माता के लिए और नंदी महाराज के लिए ये सबसे सुंदर अवसर है कि हमारे फलौदी के अंदर एक नंदी गौशाला बनी है जहाँ हम निस्वार्थ पशुओं की सेवा कर सकते हैं। इससे बड़ा कार्य क्या होगा? ये धर्म का मार्ग है, आप आगे आए और सेवा करें। बिल्कुल सही है कि आप घर बैठे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की बजाय या किसी भी तरह का कोई एलिगेशन करने की बजाय आप नंदीशाला आए, यहाँ की व्यवस्थाओं को देखें। हम आपको और भी दिखाएंगे आगे जहाँ नंदी हैं और नंदी किस तरह से स्थिति में है वो भी दिखाएंगे हम आपको, लेकिन कहीं ना कहीं इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य यही है कि लोग जो अंदरगल पोस्टर करते हैं, अंदरगल लाइव आते हैं और कहते हैं कि देखिए ये नंदी घूम रहे हैं, तो नंदी घूम रहे हैं तो उनको एक गाय को रखना कितना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ 400 के करीब नंदी हैं। जी हाँ, हम ऐसे लोगों के बीच हैं जो कभी नंदीशाला में अपना दिन भर व्यतीत करते हैं, यहाँ तक कि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रात्रि में यहाँ ही रहते हैं, यानी घर जाने की वो सोचते नहीं। ऐसे लोगों से हम बात करेंगे, खासतौर से जो ये हमारे साथ है शख्स, इसे आप देखिए दिव्यांग है और ये ट्रैक्टर चलाकर गौ जो है वंश जो अपने नंदी है उनकी सेवा करते हैं। ये आज इनसे पूछेंगे कि क्या आपको प्रतिदिन 900 रुपये मिलते हैं? आपको 900 मिलते हैं? नहीं मिलते हैं। तो आप कहाँ से हैं? पाकिटाणी से। नंदीशाला में क्या सेवा दे रहे हैं, युवा और दिव्यांग है, जोश और जज्बा इनसे सीखे, सोशल मीडिया पर नंदीशाला का सहयोग करें, कभी नंदीशाला का सहयोग करें। जितेंद्र हमारे साथ, ये तो इन्होंने तो अपना बस ये घर बना लिया यहाँ पर, क्या कुछ कहना है आपका? यहाँ पे मेरे को रहते हुए 3 महीने हो गए हैं
और काफ़ी अच्छा महसूस कर रहा हूँ नंदियों के साथ में। ठाकुर जी की कृपा से मेरे को ये सेवा करने का मौका मिला और मैं अच्छी तरह से कर रहा हूँ, और सभी शहरवासियों से भी कहना चाहता हूँ कि वो आए और यहाँ पे अपनी सेवा दें। यानी आपको नंदी पहचान लगे होंगे अभी? अरे बिल्कुल, वो तो मेरे पास आके बैठ जाते हैं, मैं उनके हाथ फेरता रहता हूँ रात में, अच्छा लगता है बहुत। गुटके खाकर थूकना और कहीं अन्यत्र जगह जाना, ये तो एक अपने शौक होते हैं, लेकिन आओ एक बार कभी नंदी सला जरूर आओ। अभिषेक है हमारे साथ, युवा है, बचपन से ही जो है गायों की सेवा करने का शौक, और अभी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे गायों की सेवा के लिए आया हुआ हूँ, लगभग एक महीना हो चुका है मेरे को यहाँ पे आते हुए। यहाँ पे गौवंश को देख रहे हैं, तरह तरह के गौवंश ला रहे हैं गाँव से यहाँ पे। एक आपसे भी निवेदन है तो थोड़ा पॉलीथीन का यूज़ कम करें, क्योंकि यहाँ से जो गायें शहर से लाए जा रहे हैं गौवंश वगैरह, तो पॉलीथीन, अभी बीच में हमें गाय का पोस्टमार्टम कराया था तो पता चला कि वहाँ पे बहुत सारे पॉलीथीन निकले, लगभग 30 किलो एक गौवंश से निकले हैं। तो कृपया करके पॉलीथीन को दूर करें, जितना हो सके दूर कर सकें करें, और गायों को रोटी दें, और हो सके तो यहाँ पर सेवा भी दें, धन्यवाद। रक्षक नशा मुक्ति केंद्र अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, जिन्होंने कई युवाओं को यहाँ पर नशा मुक्त करवाया, और बड़ी बात तो ये है कि अभी कुछ ही दिन पहले एक नंदी का पोस्टमार्टम किया गया था, जिसमें घास नहीं, आटा नहीं, सिर्फ और सिर्फ पॉलीथीन निकले थे। यानी पॉलीथीन का उपयोग हम बंद करेंगे तो शायद हो सकता है कि नंदी और गौवंश हमारे बचे। हमारे साथ रफीक, इनसे हम बात करेंगे। रफीक, कहाँ से हो आप? मैं फलोदी से हूँ। और कब से ये सेवा कर रहे हो? मैं 5-6 महीने से यहीं पर हूँ और सेवा दे रहा हूँ नंदियों की। तो आपको तो मानदेय मिलता है, 900 रुपये सुना है, मिल रहा है? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है, हम केवल सेवा करते हैं, वो भी हमारे रक्षक टीम सेवा समिति से। और यहाँ पे क्या कुछ व्यवस्था चल रही है? कितनी यहाँ पर अभी नंदियाँ है? लगभग 400 के करीबन है, और हम व्यवस्था बड़े हम खुद संभाल रहे हैं, जबकि कोई कर्मचारी तो है नहीं, हम खुद ही संभालते हैं, वो भी अपने सेवा समिति के हिसाब से। कर्मचारी आते हैं क्या? नहीं, कभी कभार आते हैं, लेकिन आके वापस चला जाते हैं, क्योंकि उनको सेवा तो नहीं देते, वो अपनी ड्यूटी बजा के चले जाते हैं। फिर हम ही यहाँ नाइट गुजारते हैं और यहीं पे रहते हैं, सब कुछ हम यहीं देखते रहते हैं, और कोई भी गाय अगर या सांड अगर हमारा कोई बीमार पड़ जाए तो हम उसको अपने बच्चे की तरफ से, हिसाब की तरफ से देखते हैं और उसको सेवा देते हैं। बिल्कुल, एक गाय को, एक नंदी को संभालना कितना मुश्किल होता है। यहाँ पे 400 के करीब नंदी हैं, आप सोच सकते हैं कि कितनी परेशानी इनको होती होगी, इन युवाओं को होती होगी। क्या कुछ कहना था आपको, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरा एक निवेदन है माताओं और बहनों से, जो भी आप जूठन डालते हैं घर से बाहर, उसमें जो भी प्लास्टिक है उसे बाहर निकाले, कचरा पात्र की गाड़ी आती है उसमें डाले, कृपया करके आपकी बहुत मेहरबानी होगी हमारे ऊपर। बिल्कुल, और ये मेहरबानी शायद कहीं ना कहीं नंदी को बचाए। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि अभी संक्रांति का कल ही शायद दिन है, और इस दिन आप पॉलिथीन बंद करने का संकल्प लें, और नंदी को कभी नंदीशाला में आकर चारा कैसे भी हो, छोटी मोटी जैसी भी अपनी सहयोग राशि बने यहाँ जमा कराए, और नहीं तो खुद चारा ला के दें, यहाँ आपका स्वागत है। पीछे अपने जो मेरे ठीक पीछे यहाँ पर जेसीबी के माध्यम से जो हाई मास्क लाइटें लग रही है, इस तरह की 7 लाइटें इस नदीशाला में लगेगी, और ये नदीशाला है वो रात्रि में भी दिन का काम करेगी, दिन में यहाँ दिखाई देंगे किस स्थिति में यहाँ नंदी रहेंगे, और यहाँ नगर परिषद जो है वो यहाँ पर जो व्यवस्थाओं को लेकर जो काम कर रही है उसको कहीं ना कहीं हम आँखें मूंद के नहीं देख सकते, इसे खुली आँखों से देखें, और हम ज़रूर नदीशाला आएँ, एक बार नदीशाला ज़रूर पधारें, कभी नदीशाला। यहाँ पे जो नदीशाला है उसकी व्यवस्था को लेकर बताएं। यहाँ पर अभी तक महेश जी व्यास ने और नगर परिषद सभापति पन्नालाल जी व्यास पहलवान साहब ने जो वर्क किए उनमें 5 ट्यूबवेल बने हैं यहाँ पर, और ये लगभग 450 बीघा ज़मीन है जो गोचर भूमि थी, और इसमें अभी तक 3 टिन सेट के बाड़े बन चुके हैं, और एक चारा गोडाउन बड़ा बना है जिसकी 2000 मन से ज़्यादा कैपेसिटी है चारा रखने की, और यहाँ हरा रिच का चारा उगाया गया है इन नंदियों को खिलाने के लिए। यहाँ 7 हौद बने हुए हैं पानी पीने के लिए इन नंदियों के, और काफ़ी विकास कार्य हो रहे हैं। एक बाड़ा अभी हमें हेमचंद जी गुच्छिया है भामासा, उन्होंने बना के दिया है, एक और बाड़ा तैयार हो रहा है जो भामासा बनवा रहे हैं, तो काफ़ी लोग भी आगे आ रहे हैं, और महेश जी की खूब इच्छा शक्ति है, यहाँ रोड्स बन रहे हैं, इनके अंदर रोडें बनेगी, अभी जस्ट टेंडर हो रहे हैं उनके भी, तो वो भी यहाँ बनेगी। यहाँ रहने वाले जो सेवक है उनके लिए कमरे बने हुए हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये
इन नंदियों के इंजेक्शन लगाने के लिए, टीकाकरण करने के लिए ये भी सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है और अच्छी सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं। जो नंदी बाहर प्रताड़ित हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, पब्लिक को भी परेशानी हो रही थी, तो उन सबसे निजात मिली है और नंदियों की यहाँ अच्छे से सेवा हो रही है। कितना नंदी है अभी यहाँ पर? अभी नंदी यहाँ पर 400 है, लगभग 417 नंदी है।